हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस तरह के प्रश्न को देखेंगे जो कि बेवरी सिंपल होता है। पहला क्वेश्चन इस तरह का है, उसके बाद इधर भी आपका क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन इस तरह का है और यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह का है। इन प्रश्नों को हल करेंगे बेरी आसानी से। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बीजगणित का वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान से इसको देखना है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 6x+1/3+1=x-3/6। इसको क्या करना है, आपको सरल करना है यानी हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए कितना है, 1 है, तो हम 1/1 ले सकते हैं। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3×1=3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 6x है तो 6x रहेगा, +1 है तो +1 रहेगा, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3×1=3 हो जाएगा, +3, और पूरे के बटे आ जाएगा 3, और बराबर है x-3/6। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए कटा सकते हैं, 3×3, 3×2=6, और यहाँ से हो जाएगा 6x, और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और बराबर x-3। अब देखिए रेखीय समीकरण की तरह बन गया। अब आप x को इधर भेज दीजिए, 4 को उधर भेज दीजिए, तो 6x है। और यक्स दे अगर कोई संख्या इसे बाएं पक्ष दाएं पक्ष से बाएं पक्ष आती है तो प्लस रहती, तो माइनस माइनस रहती है तो प्लस हो जाती है। ये क्या है, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस यक्स, बीच में बराबर तो बराबर, यहाँ -3 है तो -3, +4 है इधर आएगा तो -4 हो जाएगा। इन दोनों से घटाएंगे, 6 में से x जाएगा तो कितना आएगा, 5x आ जाएगा, और माइनस माइनस जुड़ता है तो 4 और 3 कितना होता है, 7, और -7 आ जाता है। इसके बाद 5 को उधर भेज देंगे क्योंकि ये गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, -7/5, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 5x-2, क्वेश्चन में 2x-7/2, 3x-1+7/2। इसको कैसे हल करेंगे, सेम मेथड है, 5x को हम 5x ही रहने देंगे, 5x को 5x रहने देंगे माइनस। अगर इसके आगे ध्यान से देखिए, माइनस में अगर ब्रेकेट खुलेगा तो जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस, यानी -2 का गुणा +2 में होगा तो -4x हो जाएगा, -का गुणा -2 में होगा तो प्लस हो जाएगा, और 7×2=14 हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा 2 3 में होगा, 6x हो गया, 2 का गुणा 1 में होगा तो -2 हो गया, +7/2 हो गया। x को एक साइड कर ले रहे हैं, संख्या को एक साइड कर ले रहे हैं, तो ध्यान से देखिए इधर 5x है, 5x में से 4x जाएगा तो केवल x बचेगा, और यहाँ से बचेगा कितना, 14, इधर से बचेगा 6x, और इसको हल कर लेंगे तो 2×2=4, 4 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3×3=2 हो जाएगा, और x को इधर कीजिए, संख्या को उधर भेज दीजिए, x-6x/3/2=14 तो -14, 6x में x जाएगा तो -5x हो जाएगा, बराबर 14×2=28, 28 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -25, 25×2=2, -(-) कैंसिल हो जाएगा, 5×1=5, 5×5=25 हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा 5/2, x=5/2, ये और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस समीकरण को हल किया जाता है। उसके बाद चलते हैं लास्ट समीकरण की ओर। आपका लास्ट समीकरण ये है, इसको कैसे हल किया जाएगा, ध्यान से देखिए। इसके लिए आपको क्या करना है, यक्स को इस साइड भेज लेना है, इस संख्या को इस साइड भेज लेना है, जैसे x/2 है, इसको इधर भेजेंगे प्लस में तो माइनस हो जाएगा, x/3, यहाँ 1/4 है, 1/4 हो जाएगा, माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब इन दोनों का लस ले लेंगे, इन 3 का गुणा 2x में होगा तो 3×1=3x, 3×2 का गुणा 2 में x में होगा तो 2x, और 3×2=6 हो जाएगा, और इधर 5×5 हो जाएगा, और 4×4, और 5×20 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को घटा देते हैं, 3x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा, x/6 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5×9/20, इसका गुणा हम इसमें कर देते हैं तो 9×6 कितना हो जाता है, 54 हो जाता है, 54/20, तो कटा भी सकते हैं, 27/10, या भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.7, या तो 27/10 भी आप लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से समीकरण को हल किया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, आपको इसको फिर से सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने फ्रेंडों के साथ या अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।